Hey guys, welcome back to my YouTube channel Blossom Myth. So if you haven't seen my face yet, hi, my name is Neeti, and if you already subscribed to my channel, thank you so much guys for watching my videos again. So this video is going to be a review video because I'm gonna review one product that I recently bought from the Cuffs and Lashes. And ये मैंने मेरा first product जो मैंने Cuffs and Lashes से मंगाया है निधि कटियार से, and मैंने इसके review पढ़े, काफ़ी अच्छे review थे. So I just wanna try that product, and that is कफ्स एंड लैशेज का दैट सो मी 32 कलर आई शेडो पैलेट. गाइस सी कितना ब्यूटीफुल पैलेट है. तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा एंड क्या इसके कलर्स इतने अच्छे हैं जितना कि फैशन इन्फ्लुएंसर और वो सब बताते हैं. सो गाइस पीछे से काफ़ी नॉइज आ सकती है, सो प्लीज़ दिस टाइम इग्नोर दैट वॉइस बिकॉज बाहर काम चल रहा है एंड आई हैव टू मेक अ वीडियो. सो जिस पैलेट का मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है ये वाला, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है. और इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है और ये काफ़ी वुड बॉक्स में आता है और ये सबसे पहले इसमें आता है. सो या नाइस, तो काफ़ी हार्ड है, टूटेगा नहीं गिर के. एंड ये मैग्नेट का है यहाँ से, और इतने सारे कलर्स आते हैं इसमें, और ये इसमें एक प्लास्टिक मिलती है. सो इतने सारे कलर्स आते हैं इसमें. और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था कि इनका जो अभी अभी लॉन्च हुआ है ये पैलेट 3 मंथ्स पहले, वो कैसा है, एक्चुअली ही अच्छा है या फिर सिर्फ वीडियोस में दिखाते हैं लोग. सो गाइस इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं एंड इसकी पैकेजिंग जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे काफ़ी प्रिटी लगी. सो दिस इज़ द पैकेजिंग और ये शाइन करता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और इसमें टोटल 32 शेड्स हैं और ये 2 ईयर्स की वारंटी पर आता है. इसमें प्राइस दिया है 1400 पर आपको ये कफ्स एंड लैशेस की साइट पे 800 या 900 तक का मिल जाता है. मुझे ये 900 का मिला है डिस्काउंट कोड लगा के, और अगर आप उन्हीं की साइट से लेते हैं तो आपको काफ़ी डिस्काउंट पड़ेगा. सो गाइस इसमें इतने शेड्स हैं, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, हर तरीके के शेड हैं. तो और इसमें काफ़ी सारे शिमर शेड भी हैं जैसे कि गोल्डन, पिंक, ब्लू, काफ़ी सारे हैं. तो हम इससे काफ़ी टाइप के आई लुक बना सकते हैं. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी स्पॉट दिखा दूंगी कि ये कितना पिगमेंटेड है. मुझे ये एक्चुअली येलो शेड थोड़ा कम लगा पिगमेंट, और इसके और सारे शेड बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से आपकी आईज पे सेटल होते हैं, ब्लेंड होते हैं. तो मैं आपको कुछ शेड्स इसके करके बताती हूँ. सो गाइस ये मैंने 4 कलर्स ले लिए इसको दिखाने के लिए यहाँ पे. सो दिस इज़ द ब्लू कलर विच आई पिक, एंड दिस इज़ द शेड प्लेफुल, एंड ये मैंने गोल्डन कलर लिया है इनका नॉस्टी. एंड काफ़ी पिगमेंट लग रहा है मुझे, कैमरे में शायद शो नहीं हो रहा है. एंड दिस इज मूडी, एंड द लास्ट कलर इज मस्तानी. सो गाइस अब मैं आपको आइस पे डेमो करके दिखाऊंगी कि सच में ये पैलेट आइस पे इतने पिगमेंट देता है कि नहीं देता. और मेरे हिसाब से ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसकी पिगमेंट काफ़ी ठीक ठाक है. सो लेट्स ट्राई इट. सो गाइस मैं थोड़ी क्लाउन लग सकती हूँ, सो जस्ट इग्नोर दैट बिकॉज मैं सारे कलर्स ट्राई करना चाहती हूँ अपनी आइस पे. सो यू आर स्टार्टेड. द फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ड्रीमर से. ड्रीमर इज अ ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, एंड कुछ इसके शेड्स हैं जो काफ़ी फॉल आउट करते हैं जैसे कि येल्लो काफ़ी ज़्यादा फॉल आउट करता है, और कुछ शेड इसके काफ़ी अच्छे हैं. सो जस्ट ट्राई करते हैं कि आँखों में लग के कैसा लगता है. ओके ओके सो गाइस सो ग्रीन के पिगमेंट कुछ ऐसी हैं इनकी, एंड द कलर इज़ नॉट दैट मच बैड. ये दिख रहा है दूर से, ऐसा नहीं है कि दिख ही नहीं रहा है. द नेक्स्ट कलर आई विल अप्लाई इज द ऑरेंज कलर. थोड़ा झुनके वाला कलर है, शाय ऑरेंज वन. ये थोड़ी फॉल आउट कर रहा है और ये अच्छा नहीं है, बट अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसा है. सो आई अप्लाई द ऑरेंज कलर, एंड इसका थोड़ा फॉल आउट है जैसे कि मैंने आपको बताया था. एंड ग्रीन मुझे ठीक लगा, इसका ग्रीन में इतना फॉल आउट नहीं हो रहा है. सो गाइस द नेक्स्ट कलर आई विल ट्राई ऑन माई आईलिड इज द पिंक कलर. क्या जिस वो ना ट्राई कि इसका पिंक भी इतना अच्छा है या नहीं है. सो दिस इज़ द पिंक कलर, एंड ये अच्छे से एक बार में ब्रश में आ जाता है, ये इसकी काफ़ी अच्छी बात है. सो जस्ट सी इस कलर की
वाओ आई लव दिस पिंक कलर, ये एक बार में एकदम अच्छे से लग गए हैं. आई लुक लाइक क्लाउन बट आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई ऑल द कलर्स ऑन माई आईज एक बार में. देखना चाहती थी कि कैसे सारे कलर्स लगते हैं आईज में. सो पिंक कलर आई जस्ट लव एंड अर्थी आई लव दिस कलर. और ठीक है, सो मैंने इसकी कलर्स ट्राई कर ली हैं. कुछ कलर्स ठीक है, कुछ कलर्स काफ़ी पिगमेंट है, कुछ कलर में पिगमेंट नहीं है. सो ऑन द अदर आईज आई एम गोना ट्राई ग्लिटर वाले आई शेडोज की ग्लिटर वालों में इतनी अच्छी कवरेज है कि नहीं. सो गाइस ये इसके पिगमेंट है एक कोट के बाद, और काफ़ी इसको लगाना पड़ रहा है जब जाके आईज में बैठ रहा है. सो आई थिंक थोड़े से कलर्स हल्के से और पिगमेंट होते तो ये आई शेडो परफेक्ट होता. बट ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छे है क्योंकि ये शायद कैमरे में इतना शो नहीं हो रहा बट ये कलर्स दिख रहे हैं रियल में. सो आई अप्लाई द पर्पल शेड ऑन माई आईज और ये ठीक है तो मुझे अच्छा लगा. और आई एम गोना अप्लाई अ स्पाइसी कलर एंड दिस इज ओ माई गॉड. इसके शिमरी शेड्स काफी ज्यादा पिगमेंटेड गाइस, आई जस्ट लव दैट एंड ओ माई गॉड कैन यू गाइस सी दैट कितना ज्यादा अच्छे शिमर्स हैं इसके. ओ माई गॉड मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला कलर गाइस. शिमर्स तो इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और यू कैन सी द डिफरेंस ये वाली आइस का यहाँ के जो कलर्स थे वो काफ़ी पिगमेंट नहीं थे और ये वाले काफ़ी अच्छे हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग द शिमर कलर्स 10 out of 10. गाइस मैंने ये वाला आई शेडो अपने रिमूव कर दिया है क्योंकि मुझे इसके शिमर ट्राई करने थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे. एंड गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस, आई कॉन्ट डू एनीथिंग. सो लेट्स ट्राई द अनदर कलर. Try the green color on the other eyes and so green color इसका काफ़ी अच्छा है. एक बार में इतना पिक हो गया है, not bad. Only I think इसका yellow color था जो इतना pigment नहीं था. Finger से ही try करूँगी the savage color और see guys I just love this shimmer और वो you can see the इंस्टेंट चेंज जो ग्लिटर लगा के हमारी आईज पे लगता है. जस्ट ब्लेंड इट लिटिल बिट. ओ माय गॉड आई जस्ट लव देयर ग्लिटर्स. ये दूर से भी एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं. सो मैं तो इस पैलेट को ग्लिटर्स के लिए 10 में से 100 देने वाली हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं काफी टाइम से कैसा पैलेट ढूंढ रही थी जिसके ग्लिटर्स मुझे अच्छे लगे. सो फाइनली हेयर एंड ओनली दिस कलर shy and the yellow ones and this the green ones are not that much pigment. नहीं बैठ रहे आईज पे वन कोड में, आपको काफी अप्लाई करना पड़ रहा है. बट द शिमर्स कलर दिस ग्रीन एब्सोल्यूटली ऑसम. सो आई थिंक आप एक बिगनर हैं और आप बिगनर भी नहीं है काफी अच्छा मेकअप करते हैं तो ये पैलेट काफी अच्छा है आपके लिए. मेरे पास ये कैमरे में इतना शो नहीं हो रहा, अदरवाइज इसकी पिगमेंट काफी अच्छी है. सो You can see my eyes. I just love them. So, this is my review with that product. मुझे ये product कैसा लगा और मेरा first reaction क्या था इस product में. और अगर आप ये product खरीद रहे हैं और अगर आपको लगता है ये product अच्छा है तो please comment में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा ये product. और अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो वो भी comment में करना. और next video में कैसे बनाऊँ, if you have any suggestion you can also comment down. So thank you guys. Love you.